खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां स्थित सीमेंट कंपनी के द्वारा CSR मद से जरूरतमंद वृद्ध असहाय एवं विकलांगों को ठंड से बचाव के लिए निशुल्क कंबल का वितरण किया गया। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ क्लब की अध्यक्ष प्रीति श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे द्वारा यह पहल ठंड से बचाव के लिए विगत कई वर्षों से ठंड के मौसम की शुरुआत होते ही की जा रही है, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं सीमेंट कंपनी के HR हेड ने बताया कि मध्यपुर ग्राम पंचायत में जीवन यापन कर रहे गरीब असहाय बेबस व विकलांग व्यक्तियों को चिन्हित कर जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराया गया है। अभी अगर देखें तो आसपास के गांव में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो गांव के अंदर में मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे फैक्ट्री से तो मुफ्त में होता ही है। फैक्ट्री में लोग आते हैं, जांच कराते हैं, है ना, दवाइयां बांटी जाती हैं, वितरित की जाती है। साथ ही हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। अभी हमारा पिछले महीने में ही था, किसी कारणवश वो डिले हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में जो है इसी मंथ के अंत में हम लोग उसको मेडिकल कैंप लगाने। CSR की गाड़ी भी आपके यहाँ, जो कहीं भी कैंप लगाना है, आप सरपंच महोदय से निवेदन है कि जगह बताएंगे, स्थान बताएंगे, तो वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन हम लोग अपने डॉक्टर की टीम को भी हम भेजेंगे। तो एक जो स्वास्थ्य को लेकर के हमारी जो चिंता बनी रहती है, उस पर हम कितना काम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, हमारा उसमें भी पूर्ण सहयोग रहेगा। तो यह CSR की इस एरिया में लगभग 5 साल से एक तरह से कह सकता हूँ मैं शुरुआत ही है। अभी आपने देखा होगा कि हमने नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम चालू किया है, जिसमें दो तीन जो मुख्य जो काम रहे हैं उसमें से एक सबसे बड़ा मुख्य काम अभी जो यूनिट हेड में हमारे श्री समोह श्रीवास्तव जी के योगदान से कह सकते हैं शुरुआत हुई, और आज लगभग मेरे ख्याल से 90 बच्चे आर्मी के लिए ट्रेनिंग दी गई, और उसके साथ ही अभी जो है एक बच्चे का आर्मी में ट्रेनिंग में सफल हो गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आज आर्मी में अगर हमने ट्रेनिंग दी है, भले 30 बच्चों में से एक बच्चे का नाम जो है अभी आ गया है, और आने वाले समय में एक शुरुआत है ये, और ये हम बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं। इसमें लगभग 60 बच्चे, अभी 30 बच्चे नेक्स्ट बैच के लिए हमने तैयार कर रखा है, और 60 बच्चे के लिए हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमने बजट दे दिया है। तो इस तरह से रोजगार मुहैया कराने की जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम आजीविका को अच्छा बना सके, उस दिशा में भी बहुत काम हमें करना है और हम करते चले जा रहे हैं, और इसी तरह से आप लोगों का सहयोग बना रहा तो हम इसी तरह से अपने कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। और इस आसपास के गांव जिसको हमने अपना गोद ले रखा है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।